दिल्ली वालों के लिए दिल्ली मेट्रो लाइफ लाइन कही जाती है। दिल्ली मेट्रो एक छोर से दूसरे छोर तक आसानी से लोगों को पहुंचाने का बड़ा साधन है। अगर आप रविवार यानी 23 जुलाई की सुबह दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन से कहीं आने जाने का प्लान बना रहे हैं तो आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कृतिका और आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। दरअसल दिल्ली की लाइफ लाइन कही जाने वाली मेट्रो की ब्लू लाइन रविवार को सुबह कुछ समय के लिए बाधित रहेगी। अगर आप रविवार सुबह ब्लू लाइन से सफ़र करने की सोच रहे हैं तो आपको अपने आने जाने के समय में थोड़ा सा जो बदलाव है वो करना पड़ सकता है। दरअसल ब्लू लाइन पर रविवार को राजीव चौक से मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो ट्रैक का मरम्मत कार्य होना है। इस वजह से रविवार सुबह ब्लू लाइन पर थोड़ी देर मेट्रो का परिचालन प्रभावित रहेगा। वहीं सुबह 6 बजे से ब्लू लाइन पर द्वारका सेक्टर 21 से नोएडा सिटी सेंटर और वैशाली तक मेट्रो का परिचालन सामान्य हो जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी DMRC ने बताया कि रविवार सुबह यात्री सेवा शुरू होने के समय से लेकर सुबह 6 बजे तक ब्लू लाइन पर राजीव चौक और मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन के बीच मेट्रो सेवाएं उपलब्ध नहीं होगी। बाराखंबा रोड मेट्रो स्टेशन भी सुबह 6 बजे तक बंद रहेगा। लाइन के बाकी हिस्से पर 2 अलग-अलग लूप में यात्री सेवा जारी रहेगी। एक तरफ लोग द्वारका सेक्टर 21 और द्वारका से राजीव चौक तक आ सकेंगे, वहीं दूसरी तरफ मंडी हाउस से नोएडा सिटी सेंटर और वैशाली के बीच भी यात्रा कर सकेंगे। जिन यात्रियों को राजीव चौक या फिर मंडी हाउस से आगे कहीं जाना है उन्हें मंडी हाउस से वॉयलेट लाइन पर या राजीव चौक से येलो लाइन पर इंटरचेंज करके आगे की यात्रा करने की सलाह दी गई है। वहीं सुबह 6 बजे के बाद पूरे रूट पर यात्रा सेवा सामान्य रूप से बहाल कर दी जाएगी। नोएडा सिटी सेंटर से नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी के बीच रविवार को यात्री सेवा अपने सामान्य शेड्यूल के मुताबिक सुबह 8 बजे से ही शुरू होगी। यात्रियों को इस बारे में जानकारी देने के लिए ब्लू लाइन के सभी स्टेशनों और ट्रेनों के अंदर लगातार अनाउंसमेंट किया जाएगा ताकि यात्री पहले से ही अपनी सुखद यात्रा की योजना बना सके। और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए आप जुड़े जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।